गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सब ठीक है? चलो, तुम लोगों का बहुत डिमांड था कि सर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाइए, तो चलो इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। जल्दी जल्दी बोलो, बच्चा सबको ज्वाइन करेगा? कम बच्चा ज्वाइन किया है, मात्र 70 बच्चा ज्वाइन किया है। लवली, क्या है बोलो? अरे बेटा, मैं कल भी बोला था मैं स्मार्ट हूं तो स्मार्ट नहीं रहूंगा। मन लगा के पढ़ो, मन को इधर उधर मत भेजो, फेंको, थोड़ा एक्सरसाइज करो अगर मन भटके तो। अमित, कैसा रहा मैग्नेटिक फील्ड? जबरदस्त, चलो और अच्छी बात है। तो शुरू करें बेटा, इजाजत है तो कलम पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि खुद का नोट बनाओगे ना तो वो सबसे ज्यादा कारगर होता है। ठीक है, ये देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा जानो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली होता क्या है। देखो, उसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्या होता है, कहीं भी अगर वर्ड इलेक्ट्रो शब्द आता है तो ये आता है इलेक्ट्रॉन से। और देख लो, करंट मींस होता है तुम्हारा मूवमेंट या मोशन, तो इसी को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये सिटी शब्द कहां, देखो शहर से आ गया तुम्हारा, और आगे देखो इलेक्ट्रो, हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर क्या होता है, देखोगे जैसे सिटी से, देखो हमने क्या बोला, शहर, शहर में क्या होता है, 24 आवर मूवमेंट रहता है, लेकिन रूरल एरिया में जाओगे तो एक फिक्स टाइम के बाद क्या होता है, मूवमेंट बंद हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंटिन्यू जब तक उस कंडक्टर में मूव करता रहता है। तो पढ़े हो आप, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे, इफ एनी ऑब्जेक्ट दे आर इन ए मोशन दे लूजेज द एनर्जी। आप भी अगर दौड़ते हो तो क्या होता है, एनर्जी लूज। तो आप ध्यान से देखो, आप ऐसे दौड़ते हो फॉरवर्ड तो एनर्जी आपका देखो बैकवर्ड भागेगा। तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, दे लूजेज द एनर्जी, तो वही एनर्जी क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिक करेंट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है इसलिए उसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रिक करेंट। समझ में आया इलेक्ट्रिसिटी का मतलब? अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है तुम्हारा, तो जहां पे फ्लो होता है तो उसी को कहा जाता है सर्किट। तो देखो, कहता है क्या कि इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज ए क्लोज लूप ऑफ द कंडक्टर थ्रू व्हिच चार्ज कैन बी फ्लो। तो कोई भी सर्किट होता है, देख लो सर्किट कैसे बनाओगे, मान लो ये बल्ब है, अब इसको सेल से जोड़ दिया। अब देख लो यहां पर, अब यहां पर एक की लगा दी है, अब इस की को ऑन जैसे करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाता है। ये सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताएंगे क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, एक टर्मिनल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक दूसरे टर्मिनल पर क्या होगा, निगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो वही निगेटिव भागता है पॉजिटिव टर्मिनल के चलते। तो जैसे इलेक्ट्रॉन भागेगा, जैसे सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ये है, ये इस तरीके से चार्ज मूव कर रहा है, तो उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट किधर से फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से, इलेक्ट्रॉन किधर से होगा, निगेटिव टर्मिनल से होगा। तो ये जो सर्किट जो बनाए हो, इसी सर्किट को कहा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई कंफ्यूज, ये अनब्रोकन सर्किट होता है, अगर ब्रोक कर दोगे तो फिर क्या होगा, चार्ज फ्लो नहीं होगा, या तो अनब्रोकन ये सर्किट होता है, या तो चार्ज एग्जिस्ट करेगा या तो चार्ज फ्लो करेगा। अब आ जाओ कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
चार्ज फ्लो, तो चार्ज में क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। कहता है कि चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन और आयंस, ठीक है। तो सिंपल वे में इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो क्या कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, तो आप रेट जोड़ दिए तो टाइम से डिसाइड कर दिए ना, अब टाइम आ गया, रेट का मतलब क्या हो गया टाइम। तो कहता है क्या देखो, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, टी टाइम आ गया, इसलिए रेट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट, और ये क्यू क्या हो गया तुम्हारा चार्ज हो गया, यही हुआ इलेक्ट्रिक करंट। तो देख लो क्या दिए हुआ है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है कूलम, जिसको सी से लिखते हो, और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ये याद करना है तुमको। अब यहां पर कहता है कि उस इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। अब देख लो, तो अब यहां पर आता है कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना होगा, देखो कैसे याद करोगे, कैसे डिफाइन करोगे। तो हमने क्या बोला, चार्ज का यूनिट कूलम होता है तो 1 C, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो 1 S, देख लो यही हो गया। क्या कहता है, कैसे डिसाइड करोगे, 1 एम्पियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज सेट टू बी व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। कोई अगर कंडक्टर है, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, और ये 1 C चार्ज फ्लो हो रहा है कितने देर में, 1 सेकेंड में, तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो बराबर ये डिफिनीशन पूछता है, तो जब भी अगर किसी यूनिट का डिफिनीशन पूछे तो उस यूनिट में जितने भी वेरिएबल होता है उसको यूनिट मान लो। कैसे हमने यूनिट मान लिया, देखो 1 C 1 S इजकल टू 1 एम्पियर, तो यही दिया देखो, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। कहता है एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच आर निगेटिव चार्ज। उस शुरू में हमने बताया था कि कोई अगर सपोज करो ये सर्किट बना रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन देखो ये छोटा वाला क्या होता है निगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रॉन का होगा ऐसे, तो करंट तुम्हारा इधर से जाएगा ये आई। अभी बताए थे ना मोशन में, जब आप दौड़ोगे तो आप फॉरवर्ड भाग रहे हो, तो मान लो आप इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, तो एनर्जी जो आपके बॉडी के द्वारा लॉस होगा वो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो वही चीज दिए हुआ है। अब देख लो, कहता है 1 एम्पियर करंट इज इक्वल टू 1 C/1 सेकेंड। अब ये थोड़ा सा है कि 1 mA इज इक्वल टू होता है 10^-3 एम्पियर, 1 MA इज इक्वल टू होता है 10^, यहाँ देखो 10 हट गया है, 10^-6 एम्पियर। ये दो चीज न्यूमेरिकल बनाने के लिए याद कर लेना है। अब देखो क्या कहता है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अमीटर मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। अब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना एम्पियर फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए एक डिवाइस आता है, उसको अमीटर कहा जाता है। और हमेशा याद रखना, ये अमीटर जब भी जोड़ा जाता है तो सीरीज में जोड़ा जाता है। आगे बताएंगे सीरीज का मतलब क्या होता है। सपोज करो कोई ऐसे जा रहा है, देखो सर्किट, अब यहाँ पर कोई चीज़ जोड़ दी, यहाँ जोड़ दिए, तो इसको कहा जाएगा सीरीज। लेकिन अगर मान लो अब कोई सर्किट इस तरीके से, देखो तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, देखो ना यहां से करंट बट जाएगा। तो अगर मान लो यहां पर जोड़ दोगे तो टोटल करंट तुमको बताएगा, अगर यहां पर अमीटर को जोड़ोगे तो सिर्फ इस सर्किट में कितना करंट है वो बताएगा। तो हमेशा अमीटर जो है कहां जोड़ा जाता है, देखो इन ए सर्किट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज इन द सर्किट, याद रखना सीरीज। अब देखो क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू होता है ये क्यू, देख लो दिखाई दे रहा है, चलो मिटा देते हैं, ये देखो ये क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, ये देखो एन हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ द चार्ज और ई हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो आप पढ़े हो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, I इज इक्वल टू एन ई बाई
टी। अब अगर एन ई को अलग कर दो तो देख लो क्या हो जाएगा, आई टी। अब मान लो तुम एन को अलग करना चाहते हो क्या हो जाएगा, आई टी बाई ई। देखो इस तरीके से कोई भी फॉर्मूला को तोड़ो तो हर वेरिएबल का पता चल जाता है। वही यहां देखो क्या लिखे हुआ है, क्यू इज इक्वल टू एनी और आई इज इक्वल टू एनी बाई टी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड ई इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो एन से तुमको पता चल जाएगा। अगर उस सर्किट का तुमको आई मालूम है, इलेक्ट्रिक करंट मालूम है, टी मालूम है, समय मालूम है, तो ये एन निकल जाएगा। देखो इसी पर एक न्यूमेरिकल है, देखो तो बना के बनता है कि नहीं, कलम कागज लेके तैयार हो जाओ। ये देखो एग्जांपल दिया हुआ है, ए कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 0.2 एम्पीयर, फाइंड द अमाउंट ऑफ द चार्ज दैट विल पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इन 30 सेकेंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो इन दिस इंटरवल इफ द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज। यहां तो चार्ज दे दिया, कहीं कहीं नहीं दिया रहता, आपको याद करना है चार्ज, यहां तो दे दिए हैं लेकिन नहीं दिया रहता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, हमेशा याद रखना। अब निकालो, क्या निकालना है तुमको, फाइंड द अमाउंट ऑफ द चार्ज यानी एन निकालना है आपको, निकाल लोगे। देखो हिंट दे दे, देखो क्यू इजकल टू आई टी, तो क्यू इजकल टू एनी बाई टी हो जाएगा और क्यू बाई ई देखो इस तरीके से निकाल लो तो नंबर ऑफ चार्ज निकल जाएगा तुम्हारा। अरे पहले ये क्यू इजकल टू आई टी देखो, तो आई कितना दिए हुआ है, देखो 0.2 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 30, इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 0.6 सी हो गया। तो अब तुमको क्यू मालूम हो गया, तो आप देख लो तो क्यू इज इक्वल टू होता है एन ई, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू बाई ई, तो क्यू तुमको दिया है 0.6 सी और ई है तुम्हारा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। देख लो डिवाइड करके तो तुम्हारा नंबर ऑफ चार्ज निकल गया, समझ में आया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल दिए हुआ है न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल बना के देखना और हमेशा याद रखना, कोई भी फार्मूला रहता है तो उस फार्मूला में जितने भी वेरिएबल है उसको आप अलग अलग करके देखो, तब आपका न्यूमेरिकल क्या होगा, फटाफट बनेगा, समझ में आया, फटाफट बनेगा न्यूमेरिकल। अब आगे बढ़ो, देखो आता है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये थोड़ा सा समझो, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कभी कहता है ना कि क्लास में कि इस बच्चे से उस बच्चे का पोटेंशियल ज्यादा है, यानी कहने का मतलब कि इस बच्चे के कंपेरिजन उस बच्चे का नॉलेज ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक जिसका नॉलेज ज्यादा होगा तो वहीं से फ्लो करेगा ना लोअर वाला, तो वहां पर उसी को कहा जाता है पोटेंशियल। दो लेवल हो गया ना तुम्हारा, एक का ज्यादा एक का कम, तो अब फ्लो ऑफ नॉलेज कहाँ होगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां भी जो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वही होता है, चार्ज का डिफरेंस। देखो क्या कहता है, कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करंट एज द वर्क डन टू मूव एन यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझो इसको क्या बोल रहे, मान लो कोई चार्ज क्यू यहां पर है, अब कहता है इस क्यू को यहां से यहां ला और इस दोनों के बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेवल होगा, तो इस क्यू को यहां से यहां लाने में जो वर्क डन होगा तुम्हारा, उसी वर्क डन को क्या कहोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। वही चीज कहता है, कहता है इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, ये वर्क डन इज नीडेड, दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे कहते हो ना कि वाटर फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, लेकिन जब दोनों का लेवल सेम हो जाता है तो पानी का फ्लो क्या होता है, बंद हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट के भाषा में बोलोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, इसलिए फ्लो बंद हो गया तुम्हारा। उसी तरीके से बोलते हो टेम्परेचर क्या होता है, फ्रॉम
हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, लेकिन जब हायर से फ्लो होगा तो हायर वाला कम होते जाएगा, लोअर वाला बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तब फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। अब देखो क्या कहता है पोटेंशियल डिफरेंस, देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द लेवल लाइक वाटर फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है तुम्हारा, वोल्ट होता है, याद रखना। फिर यहां पर आएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ वन वोल्ट, जल्दी जल्दी करो तो कौन बताएगा, अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस ये पी डी, तो इसको भी से, तो देखो क्या होता है, कहता है पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट क्या होगा, वर्क डन, बाय चार्ज, तो क्या लिखोगे, देखो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन को डब्ल्यू से लिख दो, चार्ज क्या हो गया क्यू। अब सवाल ही पढ़े हो, वर्क एनर्जी इस सब का क्या होता है, यूनिट क्या होता है, जूल, क्यू का यूनिट क्या होगा, जल्दी बोलो, सी कूलम, तो आप लिख सकते हो ना इस तरीके से, जूल बाय कूलम, तो देखो ये वन भी इक्वल टू, देखो वन जूल बाय वन क्यू, देख लो, अब डिफाइन कर दो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वोल्ट, तो देखो क्या कहता है, वन वोल्ट इज सेट टू बी व्हेन वन कूलम्ब ऑफ द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट देन वन जूल ऑफ एनर्जी इज नीडेड। क्या होता है, अगर कोई सर्किट में, मान लो ये सर्किट है, और इस सर्किट से वन कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है, और उस फ्लो होने के लिए वन जूल ऑफ एनर्जी नीडेड होता है, तो इसका मतलब इस सर्किट में वोल्ट कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा वन भी है, कितना होगा, वन भी होगा, याद हो जाएगा। तो वो कैसे बताएं, देखो अगर लिटरेचर नहीं आता है इतने लिख दो ना भैया, हो जाएगा वन भी इक्वल टू वन जूल वाई वन क्यू। अब देखो ये कहता है इट इज मेजर्ड बाय द मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द वोल्टामीटर, देखो वोल्टमीटर कहा जाता है, और ये हमेशा कनेक्टेड कहां होगा, पैरेलल में होगा, हमेशा याद रखना कहां होगा, पैरेलल में। अब जैसे सपोज करो कोई सर्किट इस तरीके से, कंफ्यूज मत होना, मान लो ये इस तरीके से जुटा हुआ है, तो ये रेजिस्टेंस है, बताएंगे सिंबल है रेजिस्टेंस का। अब मान लो इसमें इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आपको वोल्टा मीटर देखो यहां लगाना पड़ेगा, ये वोल्टमीटर, तो यहां और यहां का डिफरेंस बताएगा आपको। अगर सपोज करो इसको यहां जोड़ देते हो तो सिर्फ इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। तो हमेशा वोल्टमीटर क्या होता है, पैरेलल में लगता है, लेकिन अमीटर लगाओगे तो यहां पर लगाना पड़ेगा, तो इसी से करंट जाएगा, तो बता देगा कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है। समझ में आया, अब देखो क्या कहता है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2C अक्रॉस टू पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। बना दो क्वेश्चन, क्या दिया हुआ, क्यू दिए हुआ है, वर्क डन तुमको निकालना है, भी दिए हुआ है, तो सिंपल फॉर्मूला है ये भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो तुमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी क्यू निकाल लो। तो हमेशा देखना, अब भी मान लो वोल्ट में जैसे दिए हुआ है, यहां पर कितना वोल्ट दिए हुआ है, 12 दिए हुआ है, 12 भी इंटू क्यू दिए हुआ है 2C, तो 12 दूना क्या हो गया 24, तो यहां पर आंसर जूल में निकालना, क्योंकि वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, ये भी इंटू सी हो जाएगा, तुम्हारा जूल में आंसर हो जाएगा, कर लोगे। अब देखो एक आता है तुम्हारा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या कहता है, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट।
अब जैसे देखो हम क्या बता रहे हैं, ध्यान से देखो ये क्या होता है। मान लो ये सर्किट है और अभी स्विच ऑफ है, अभी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो अब यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो उसको क्या बोलोगे, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन जैसे स्विच ऑन करोगे तो करंट फ्लो हो जाएगा, तो अब वो कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये मेरी बात समझे? जैसे सपोज करो किसी को मारने के लिए आप मुक्का ऐसे करते हो, ये लिए ऐसे किए, तब देखो अभी जो देखो ऐसे जो किए तभी फोर्स ज्यादा है, जैसे मारना शुरू किए तो देखो ऐसे जब चलाओगे तो ये थोड़ा सा एनर्जी कम हो जाएगा ना। अरे मारने के लिए ऐसे किए तो देखो अभी अभी तुम्हारा यहां पर एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जब किसी को मारोगे तो जैसे ही मोशन में हैंड आया तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो ऐसे किए माने जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है और उस सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को कहोगे ईएमएफ, और जैसे करंट फ्लो शुरू हो जाता है दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में समझ, यही कहता है एंड एन इलेक्ट्रिक सर्किट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द वर्क डन बाय ए सोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, जहां से वो सोर्स जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलते हो, ठीक है। तो ये तुमको इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस है, आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बना लेना, नहीं अगर बनेगा तो हमको बताना, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ा सा सिंबल पढ़ना है, पढ़ लेना, एनसीईआरटी में सिंबल है सेल, जैसे जनरली दुकानदार को जाके बोलते हो बैटरी दो टॉर्च को, बैटरी नहीं है वो सेल है। ये देखो ये ऐसे जो करते हो तो ये सेल हो गया। अब बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ द सेल, ये देखो ऐसे, ये देखो अब एक दो तीन, इसको कहा जाएगा बैटरी। ये क्या हो गया सेल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, पढ़ लेना। उसी तरीके देखोगे इस तरीके से सिंबल होगा, तो ये रेजिस्टेंस होता है। कहीं कहीं देखोगे यहां पर ऐसे कर देता है तो ये नॉन रेजिस्टेंस होता है। उसी तरीके से रियो स्टेट होता है, फिर देखोगे इस तरीके से डायग्राम होगा। तो क्या हो गया, की हो गया, ये सर्किट ऑफ है, ये की जैसे वो नहीं होता है ना स्विच, तो ये स्विच ऑफ का मोड है। जब इसको सटा दिए तो ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। अब नया मॉडर्न में क्या आया, ऐसे होता है, देख लो। अगर ये है तो ये स्विच ऑफ मोड में है, अगर इसमें पॉइंट दे दिए तो ये क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। तो एनसीईआरटी में सिंबल दिए हुआ है, उसको देख लेना। इसके बाद इसमें ओम्स लॉ बताएंगे और रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ोगे, तो नेक्स्ट स्लाइड में तुमको ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस बताएंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है, माने फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो वो थोड़ा सा समझने की चीज है। लेकिन सबसे पहले ये चीज बहुत जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा तुम्हारा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भैया प्लीज़ प्लीज़ लाइक तो करबे करो, लेकिन सब्सक्राइब ज़्यादा करो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे क्या होगा, तो मेरे को उत्साह बढ़ेगा, तो कोशिश करेंगे और अच्छा स्लाइड बनाने का। और अगर आपको इसका लाइव क्लास ज्वाइन करना है, पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो या टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना चाहते हो, तो एक वेबसाइट है www प्रामर्थम फाउंडेशन, वहाँ उसको ओपन करो, उसमें आवेगा एप्लीकेशन, उसमें भरिए, उसको सबमिट कीजिए, उसके बाद एक पेमेंट का ऑप्शन आवेगा, नॉमिनल चार्ज लगता है, नॉमिनल, वो भी जो भी पैसा दोगे, ये एक्चुअली एनजीओ के तरफ से चलता है, वो एनजीओ के पास चला जाता है और वो एनजीओ क्या करता है, गरीब बच्चों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक हम जो जिस एनजीओ के थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, वो एनजीओ गरीब बच्चे का एक हॉस्टल भी खोले हुआ है, मोर और लेस वहाँ पे 40 बच्चे हैं, तो वो एनजीओ ही उसको पूरा माने हॉस्टल का खर्चा खाना पीना देता है, तो ये सारा पैसा वहाँ जाता है। तो कम से कम इसके आधार पे भी थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, क्योंकि तो जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन करोगे तभी ना वो यूट्यूब से कुछ आवेगा, ठीक है। ओके।